एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज, आज के इस वीडियो में जैसा कि आपने इंट्रो में कुछ प्रोडक्ट देखे हैं और ये न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट हैं लॉरियल के, जो कि अप्रैल में लॉन्च हुए हैं। और ये जो प्रोडक्ट है कंपेरेटिवली स्मार्ट बॉन्ड, या आप अगर मैट्रिक्स का बॉन्ड अल्टीमेट यूज़ करते हैं तो उस तरह का ही एक प्रोडक्ट हुआ है, क्योंकि ये जो दो प्रोडक्ट हैं वो बंद हो गए हैं। लाइक स्मार्ट बॉन्ड और मैट्रिक्स का बॉन्ड अल्टीमेट, ये दोनों प्रोडक्ट अभी मार्केट में जो अवेलेबल हैं वही आप यूज़ कर पाएंगे, लेकिन आगे इनका स्टॉक बंद हो जाने वाला है। तो इसको अपडेट करके, अपग्रेड करके कुछ नया प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च किया है लॉरियल ने, उसको कहते हैं मेटल डीएक्स। तो ये इंडिया में मेटल डीएक्स के नाम से आएगा, इंडिया एंड चाइना में। और अगर आप यूएस, यूए, यू इधर हैं, अमेरिका इधर ऐसे ऐसे एरिया में हैं, तो वहाँ पे ये मेटल डिटॉक्स के नाम से आएगा। यही प्रोडक्ट, नाम केवल चेंज होगा। तो उस एरिया में मेटल डिटॉक्स, और हमारे हमारे एरिया में इंडिया, चाइना, इस तरह के एरिया में ये मेटल डीएक्स के नाम से आएगा। तो आज के इस वीडियो में आप कंप्लीट चीज़ें जानेंगे कि हमको इसको कैसे यूज़ करना है और क्या बेनिफिट्स हैं इस प्रोडक्ट के। और मैंने आज ही इस प्रोडक्ट का ऑर्डर दिया है, तो वहीं से ही मैंने इसका वीडियो बनाया है और आपको कंप्लीट प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगी। और अगर आपको ऑर्डर करना है तो आप इसको ऑर्डर भी कर सकते हैं। 10 to 14,000 इन बिटवीन इसका पूरा किट का कॉस्ट है, जो कि आफ्टर डिस्काउंट आपको इन बिटवीन इसके ही बीच में आपको ये प्रोडक्ट पड़ेगा। तो इस प्रोडक्ट की क्या क्वालिटीज़ हैं और कैसे हमको यूज़ करना है, तो आज की वीडियो में केवल थ्योरी पार्ट में आपको बताने वाली हूँ। और आगे जब तक ये ऑर्डर आ जाएगा, मैं इसका यूज़ करके भी आपको दिखाऊंगी कि कैसे आप इसको कलर प्रोसेस जो भी करते हैं, चाहे वो प्री लाइटनिंग हो, बैल्याज हो, ऑम्ब्रे हो, या डिफरेंट फैशन कलर्स जो आप करते हैं, ये प्रोसेस अगर आप करते हैं और उसमें 100% रिजल्ट चाहते हैं, तो उसके लिए आपको मेटल डीएक्स का ये जो किट है वो परचेज करना होगा। और इसको यूज़ करिए, बिकॉज इससे आपके कलर का रिजल्ट अच्छा आएगा, और आफ्टर कलर के बाद जो आपका ब्रेकेज के प्रॉब्लम आते हैं हेयर में, वो प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। तो एज अ प्रोटेक्टिव लेयर ये काम करेगा, प्रोटेक्शन का काम करेगा। तो आप इस प्रोडक्ट को भी अपने सैलून में रख सकते हैं अगर आप प्रोफेशनली काम करना चाहते हैं। तो चलिए बात करते हैं। और ये जो आप वीडियो में देखेंगे, इसमें मैं छोटे छोटे स्लाइड्स भी बीच में डालती रहूँगी, ताकि आप प्रोडक्ट को देख पाएँ और हम कैसे इसको यूज़ करेंगे पूरा प्रोसेस आप जान पाएँ। तो चलिए वीडियो में सबसे पहले मैं आपको इसका बता देती हूँ कि क्या इंग्रेडिएंट है इसमें और कैसे इसको यूज़ करना है। तो ये जो नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये है मेटल डीएक्स। इसको मेटल डीएक्स कहते हैं और इसके 6 पार्ट में डिवाइड है, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, 6 पार्ट में ये डिवाइडेड है। और इसका मेन जो इन्ग्रीडियंट है और क्या क्यों यूज़ करते हैं, इसका जो मेन काम है वो है, ये जो हमारे हेयर में मेटल्स होते हैं, मेटल्स की इम्प्योरिटीज होती हैं, उसको क्लैरिफाई, डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है ये प्रोडक्ट। और इस प्रोडक्ट में क्या मेन इंग्रेडिएंट है, वो है ग्लीकोसामाइन। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसे कहते हैं ग्लीकोसामाइन, जो कि इस प्रोडक्ट में इंक्लूड है। ये क्या करता है, ये ग्लीकोसामाइन जो है वो एक चिलेटिंग एजेंट है। चिलेटिंग एजेंट क्या काम करते हैं, वो मेटल्स पे एक ऊपर आउटर लेयरिंग बना के मेटल्स को हटाने का काम करते हैं। लाइक उसके ऊपर एक कवरिंग बनाएंगे और उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे मेटल्स को। और मेटल्स अगर आपके हेयर में हैं तो आपके हेयर में कलर का 100% रिजल्ट नहीं आएगा और कलर जो है वो ब्रेकेज की तरफ जाते हैं। तो मेटल्स को हटाना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और ये ग्लीकोसामाइन जो है वो एज अ चिलेटिंग एजेंट यूज़ होता है, तो ये सारे मेटल्स को हेयर में से हटा देगा और उसके बाद जो आप कलर करेंगे या प्री लाइटनिंग करेंगे उनमें 100% रिजल्ट आने वाला है। तो बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आप प्रोफेशनली काम करना चाहते हैं सैलून में, तो ये प्रोडक्ट रख सकते हैं। और मैंने भी ऑर्डर कर दिया है, आते ही मैं आपको आगे के जो वीडियोस होंगे उसमें मैं इसका यूज़ करके भी दिखाऊंगी। तो चलिए प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि ये 6 का पैक है, तो इसमें 6 पैक्स आएंगे, और कैसे इसको यूज़ करना है वो पूरा प्रोसेस बता रही हूँ। तो सबसे पहले आपके पास क्लाइंट आया कलर की सर्विस के लिए, उसको कलर कराना है, बैल्याज कराना है, या आपको कोई भी पैटर्न करना है, फैशन कलर लेना है, ओम्ब्रे लेना है, फ्रेंच बैल्याज वगैरह, कोई भी पैटर्न वो लेना चाह रहा है, तो सबसे पहले आप हेयर को देखिए। अगर हेयर हेड वॉश करके आया है आपका क्लाइंट,
तो आप इसमें मेटल डीएक्स का जो ये स्प्रे है प्री ट्रीटमेंट, उस पर लिखा होगा प्री ट्रीटमेंट, आप उस प्री ट्रीटमेंट को 4 सेक्शन में हेयर को डिवाइड करें और मोटे मोटे सेक्शन में दूर से उसको स्प्रे कर दीजिए। स्प्रे करके अच्छे से इमल्सीफाई करके छोड़ दीजिए, मतलब पूरे हेयर में आपको बहुत पतले पतले सेक्शन में काम नहीं करना है, क्योंकि ये स्प्रे बॉटल है, स्प्रे से ही आपको इसको डालना है। तो आप बड़े आराम से केवल जैसे वाटर स्प्रे करते हैं नॉर्मली इसको स्प्रे कर दीजिए हेयर में, अपने आप हेयर में चला जाएगा। कोई ज़्यादा काम नहीं करना, हल्का हल्का कॉम कर दीजिए या इमल्सीफाई कर दीजिए। तो 4 सेक्शन में डिवाइड कीजिए, आगे पीछे पूरा हेयर में इसको स्प्रे करके 4 से 5 मिनट वेट कीजिए ताकि ये अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए हेयर में। उसके बाद आपका जो सेकेंड स्टेप आएगा वो होगा आपका कलर का प्रोसेस। आप क्या कोई भी प्रोसेस कर सकते हैं, लाइक आप प्री ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, सॉरी प्री लाइटनिंग करना चाहते हैं, कलर करना चाहते हैं, कोई भी चीज़ करना चाहते हैं, वो प्रोसेस आपको कंप्लीट करना है। और उस प्रोसेस के बाद जब वो 40 से 45 या 1 आवर में आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया कलर का, तो आपको उसके बाद इसका जो सेकेंड स्टेप है वो है शैम्पू। शैम्पू आप भी देख रहे हैं जैसे पिक में बड़ी बॉटल आएगी, तो आपको इसको आफ्टर द ट्रीटमेंट शैम्पू करना है उनका। शैम्पू करने के बाद आपको मास्क या कंडीशनर अप्लाई करना है। तो आपके कई बार ये भी क्वेश्चन आते हैं मास्क और कंडीशनर में क्या डिफरेंस है, तो दोनों में डिफरेंस एक ही चीज़ है। अगर आपके हेयर थिन है, पतले बाल हैं, तो आपको कंडीशनर यूज़ करना है, और अगर आपके हेयर जो हैं वो मीडियम टू थिक हेयर है, मीन्स मीडियम है और थिक हेयर है, तो आप मास्क अप्लाई करेंगे। तो इसमें ये दोनों ऑप्शन है, कंडीशनर और मास्क दोनों ऑप्शन है, तो आप दोनों चीज़ें यूज़ कर सकते हो अकॉर्डिंग टू हेयर। हेयर अगर थिक है तो आप मास्क अप्लाई कर दीजिए, अगर थिन है, पतले बाल हैं, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम कम है उनके हेयर में, तो आप कंडीशनर अप्लाई करेंगे। तो ये हो गया इन दोनों में। अब कुछ हेयर ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा लाइटनिंग होने हुए रहते हैं, ड्राई, डैमेज, फ्रिजी, सेंसिटाइज्ड हेयर हैं। कुछ हेयर ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा सेंसिटाइज्ड आ गए हैं आपके पास, तो उस टाइप के हेयर पे भी एक प्रोसेस आप कर सकते हो। वो आप रूटीन में भी कर सकते हो, इस प्रोडक्ट में भी कर सकते हो। लाइक सबसे पहले आप कंडीशनर अप्लाई कर दें हेयर पे, कुछ मिनट वेट करने के बाद उसके ऊपर मास्क अप्लाई कर दें। तो ये दोनों चीज़ें एक साथ भी आप यूज़ कर सकते हो, 5 से 7 मिनट वेट करके रिंस कर दीजिए। तो यहाँ पे जो ये पैक है इसका ये प्रोसेस कंप्लीट होगा। आपको मास्क तक कंप्लीट करके अपने क्लाइंट को बहुत अच्छे से रेडी करना है, ड्रायर मारना है, फिनिशिंग लुक देना है, और यहाँ पे ये प्रोसेस ख़त्म करने के बाद मुझे जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं मास्क है, छोटा पैकेट, ये होम केयर प्रोडक्ट है, मास्क और शैम्पू ये छोटे पैक्स हैं। ये दोनों चीज़ें आपको क्लाइंट को देना है होम केयर के लिए, और उनको सजेस्ट करना है कि आफ्टर दैट आप यही प्रोडक्ट यूज़ करें, तो आपके जो कलर का रिजल्ट होगा वो 100% रहेगा हमेशा, कभी भी डिसकलरेशन बहुत जल्दी नहीं होगा, और जो फ्रिजीनेस और ब्रेकेज की प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम आपके हेयर में नहीं आने वाला है। तो सबसे पहले आप प्रोडक्ट को देख लें, ये आप जैसा देख रहे हैं ये है शैम्पू, जो आपको प्री ट्रीटमेंट के बाद, मीन्स कलर प्रोसेस के बाद यूज़ करना है, और ये मेटल डीएक्स का प्री ट्रीटमेंट है जिसको आपको प्रोसेस करने से पहले स्प्रे करना है। ये है कंडीशनर, लॉरियल प्रोफेशनल मेटल डीएक्स का ये कंडीशनर है। इसके बगल में आप मास्क देख रहे हैं, मेटल डीएक्स मास्क 500 ml का जैसा आप देख रहे हैं, और इसके बाद जो प्रोडक्ट हैं वो होम केयर प्रोडक्ट हैं, शैम्पू और मास्क। ये आपको क्लाइंट को एज अ होम केयर प्रोडक्ट सजेस्ट करना है और उनको देना है, ताकि उनकी कलर की जो प्रोसेस है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे और हेयर फ्रिजीनेस या ब्रेकेज की तरफ ना जाए। तो ये है विजुअली प्रोडक्ट जो कि आप देख रहे हैं, 100% रिलायबल, 80% लेस ब्रेकेज रिस्क। बात हो गई हमारे जो न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है लॉरियल का, लॉरियल प्रोफेशनल का जो न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है मेटल डीएक्स, उसकी कंप्लीट थ्योरी, जो कि आप प्रोडक्ट को समझ पाएंगे कैसे करना है और क्या इसमें ग्लिकोसामाइन क्या है एज अ चिलेटिंग एजेंट क्या है और कैसे यूज हो रहा है, उस पार्ट को आप समझ पाए। होपफुली ये थ्योरी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, और अगर आपके सलून से है तो इसको फटाफट अपने सलून पे लेके आइए, यूज़ कीजिए, तो रिजल्ट आपके सामने होगा। मैंने आज ही ऑर्डर किया है, और आप वीडियो में इंट्रो में आपने देखा होगा कि ये प्रोडक्ट का मैंने थोड़ा थोड़ा दिखाया हुआ है प्रोडक्ट कि कैसे हमको अभी लेना है।
तो अगर आप कॉस्टिंग की बात करेंगे तो वो कॉस्टिंग मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि 10 to 14,000 इन बिटवीन ये इस प्रोडक्ट का कॉस्ट है, जो कि आपको अच्छा खासा आउटपुट भी देगा और आपका क्लाइंट अच्छे से सर्विस भी लेगा। तो आप इसको अपने सलोन्स पे रख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, रिजल्ट आपके सामने होगा। तो चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो में, जिसमें मैं इस प्रोडक्ट का डेमो भी आपको करके दिखाऊंगी। और यस, हेयर स्पा की अभी एक वीडियो आने वाली है, वो भी आप देखें, और इस ये होपफुली ये प्रोडक्ट आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो चलिए गाइज, मिलते हैं न्यू वीडियोस में और कुछ नए प्रोडक्ट के साथ। और इस प्रोडक्ट को बाय करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।